भारत अपनी आज़ादी के 75 साल मना रहा है। आपको बता दें कि इस बीच पाकिस्तान के भी आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस जश्न के साथ मनाया जाता है। बहरहाल बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं और इस बीच पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार अब पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने जा रही है, साथ ही इस बात की घोषणा कर दी है। इसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम समेत कई अन्य खिलाड़ी भी इस सूची में शामिल है। वहीं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पाकिस्तान के लिए जेवलिन थ्रो इवेंट में 90 मीटर से अधिक भाला फेंककर गोल्ड मेडल पाकिस्तान की झोली में डालने वाले जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को भी पाकिस्तान की सरकार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पुरस्कार से सम्मानित करने जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि वेट लिफ्टिंग में नूह बट ने पाकिस्तान की झोली में गोल्ड मेडल डाला था और उन्हें भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पुरस्कार दिया जाएगा। बात करें अगर जेवलिन थ्रो इवेंट की, तो अरशद नदीम ने एशिया का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 90 मीटर से ज़्यादा भाला फेंका और उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। बात करें अगर नूह बट की, तो उन्होंने 109 किलो वेट कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग इवेंट में कुल 405 किलो वजन उठाया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बना और उन्होंने गोल्ड मेडल पाकिस्तान की झोली में डाला। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुल 2 ही गोल्ड मेडल जीते थे और ऐसे में दोनों ही गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान पाकिस्तान ने कर दिया है। वहीं बात करें अगर पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा महरूफ की, तो उन्हें भी पाकिस्तान के तमगा इम्तियाज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा यह सभी पुरस्कार 23 मार्च 2023 को दिए जाएंगे और इनकी घोषणा अब कर दी गई है। सितारा इम्तियाज के बारे में अगर बात करें, तो यह पुरस्कार तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जो कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को दिया जाएगा। अगर इस अवार्ड के बारे में जानकारी अगर आपको दें, तो यह पुरस्कार पाकिस्तान की सरकार उन लोगों को देती है जो देश की सुरक्षा, विश्व शांति, देश की संस्कृति के प्रचार प्रसार के अलावा सार्वजनिक जीवन में बेहतरी का काम करते हैं। बाबर आजम की बात करें, तो उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा क्योंकि उनका बल्ला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पिछले कुछ दिनों से शानदार कमाल कर रहा है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की बात करें, तो उन्होंने लगातार कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। उन्होंने विराट कोहली और साथ ही विश्व के कई दिग्गज खिलाड़ियों के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बात करें अगर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की, तो उन्होंने इस साल अब तक 5 टेस्ट मैच खेले हैं, जहां पर 73 की एवरेज से 661 रन बनाए हैं। वनडे और टी20 की बात करें, तो बाबर आजम ने इस साल अब तक 6 वनडे मुकाबले खेले हैं, जहाँ 91.40 की औसत से 457 रन बनाए हैं। बात करें अगर टी20 की, तो 2021-22 सीजन में उन्होंने कुल 13 टी20 मुकाबलों में 40 की औसत से 492 रन बनाए हैं। आपको बता दें कि वनडे और टी20 में वे दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज हैं और साथ ही टेस्ट रैंकिंग में वह तीसरे स्थान पर हैं। बहरहाल बात करें अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो वह एशिया कप खेलने के लिए तैयार है। एशिया कप में पाकिस्तान की टीम का पहला मुकाबला भारत के साथ होगा। दोनों टीमें 28 अगस्त को आमने सामने होंगी, साथ ही एशिया कप का भी आगाज 28 अगस्त से करेंगी। बहरहाल क्या कुछ होता है, इधर देखने वाली बात होगी। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।